शरीफ कैसे हो गई है लेडी हॉली? तू तो इतनी शैतान थी, यहाँ से वहां नचती टपती रहती थी। तो देख लो, जैसे ही बंदा मदर बनता है ना, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, उसके अंदर कितने चेंजेस आ जाते हैं। और ना तो वैसे कितनी पागल सी है, तो मोटो रानी उनके ऊपर बैठ जाती है। आया बब्जी ने अपनी लाते उठाई और इसको कहा कि सूंघ ले पहले मुझे, फिर बब्जी ने इसको सूंघा और फिर मुझे आके हाथों पे सूंघा, तो वही सेम स्मेल है। तुझे पता ही नहीं चला वो आया है? अब पता चला है? ओ बब्जी, बाप बन गया ना तो अहंकार आ गया इस लड़के में। ये है वो बब्जी जिसने 9 बच्चे पैदा करके दिखाए हैं, है ना बब्जी? अंदर लेके जाना चाहिए। ओ सबके ऊपर भौंक रहा है। पहले उसने ओला पे अटैक किया हड्डी के लिए और अब उसने जोई पे भी अटैक करने की कोशिश की। तो वैसे यहाँ पे राहुल सारा कंटेंट चोरी कर रहा था बैठ के, तेरे को हाथ में कैमरा। मैंने फटाफट आई और मैंने ना फिर से अपना ना जो एक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है अपने हस्बैंड के साथ, वो शो कर दिया। बच्चे अंदर आ जाओ, ये देखना कहाँ चले गए हैं। राहुल ये बाहर का अब सोना सोना नहीं लगता जब से लाइटें उतरी है ना। नहीं तो इनका चमेली का घर इतना लाइट नहीं लगता। और गाइस वहाँ जो आप देख रहे हो ना, एकदम मैं जूम करके दिखाती हूँ, राहुल ये रहा बेड रोशनी और दामिनी ने आपस में लड़ पड़ी कि मेरा बेड है, मेरा बेड है। हेलो दोनों भाइयों अंदर आओ। तो यहाँ पे शाम का मील हो गया है, कट। तो यहाँ कट कट कट। तो यहाँ पे शाम का मील लेकर आए हैं अरुण भैया, चमेली के किड्स का। ये देख लो, वही दलिया वाला मील है भैया, ये थोड़ा राइस भी है और क्या है। अरुण भैया अपना ही होटल खोल रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग डिशेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बताना भला दलिया और राइस का क्या कॉम्बिनेशन है? दे तो दी, रॉयल कैनिन तो दे दिया, वो बात ठीक है। और एक तरह एक टाइम पे पेडिग्री भी दे दी। हाँ हाँ, आप चलो इधर, शूज लेके आ गए। नहीं खाना तो टचवुड बहुत अच्छा करे। ओहो हाय सुनीता, सेक्सी सुनीता हवा। तो फाइनली आ गई है दादा और दादी हमारे घर। बच्चे अपने जूते लेके बाहर है, मन्नी अपनी ब्लॉगिंग कर रही है, तो बीच में मैंने कहा थोड़ी देर तू बंद कर। सेक्सी दादी आई है, सेक्सी थोड़ी देर, चल चल चल, सेक्सी दादी आई। ये देखना क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे। चलो सो गाइस, यहाँ पे ना मम्मी पापा बैठे हुए, एक यूएफओ की बात कर रहे हैं। बट आज ना बात हो रही है सबसे इम्पोर्टेंट, जो मन्नी ने कल रात को रील बनाई है। अगर वो रील वायरल नहीं हुई ना, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो वायरल क्यों नहीं हुई। उसके अंदर ना मेरी छाती पे ना 2-2.5 महीने की लेडी ऑली ये एज ए पपी ना लेटी हुई है। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो, नमितोलॉजी के ऊपर आपको दिख जाएगी वो रील। और इतना अच्छा ट्रांजिशन और इतना अच्छा म्यूजिक जो लगाया है ना, कि आप मेरे घर का आंगन मांग रहे हो। और उसके बाद ना उसने उसके अंदर इतना अच्छा ट्रांजिशन डाला कि बच्चे ना दूध पी रहे। आप जाके देखो, अगर आपको पसंद आई ना तो प्लीज शेयर करना एंड मेक इट वायरल, एंड मेक इट, यू हैव टू मेक इट वायरल फॉर लेडी ऑली, फॉर नमितोलॉजी। क्योंकि मतलब ना एक पूरी स्टोरी हमने तो पाला है, तो हमारे सामने तो पूरी स्टोरी है, तो हर छोटे छोटे मोमेंट्स ना याद आते हैं। और यहाँ ना मम्मी आई हुई है, मम्मी कह रही है कि यार तुमने ही लेडी ऑली को बचाया, नहीं तो बचती ही नहीं। नहीं तो बचती नहीं, है ना। तीन तीन बार उसको ड्रिप लगवाने गई है, जब हम पार्वो हो गया था उसे, तब हम मम्मी के साथ रहते थे। नहीं तुम लोगों की हिम्मत है जो उसको बचाया। और देखो मॉर्निंग गुड बॉय। अब आप पेस्ट कौन सा कलर लोगे, रेड लोगे व्हाइट लोगे? रेड वाला लोगे, रेड रेड लेते हैं। देखो रेड लिया आपने, ये कौन सा कलर है? ये तो रेड आ गया ना, है ना, रेड आ गया ना, आंखें भी नहीं खुली, रेड आ गया। चलो अब आप ब्रश कर लो, मम्मा ना शिबू भैया को नाश्ता करा दे, ठीक है? चलो बाय मम्मा, जल्दी आओ आप भी, फिर ना दलिया खा लो बाबू लोग। चलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हो गया हफ्ते का बीचों बीच का दिन, और यहाँ पे देख लो चम्मू को, चम चम, गुड मॉर्निंग चम चम, गुड मॉर्निंग चम चम। क्या हो गया, घर के अंदर जाने की पूरी कोशिश है चम चम की। और यहाँ पे बैठे हैं चम चम के छोटे छोटे करिश्मे,
चार्ली देखो अपनी माँ को देख रहे कहा जा रही रोशनी दामिनी लूना ओए लूना नाम से सुनते सारे के सारे है ना ये देखना लूना कितनी क्यूट हुआ अपने पापा में गई है बिल्कुल कालू का है तुम्हारा पापा मिला है तुमसे आके एक बारी भी हाँ नहीं मिला और चमेली क्या हाल है तेरे तबीयत ठीक है तेरी ओए ओए चमचम 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 ऊपर देख ले बब्जी और वो जो ही तेरे पास बक बक कर रहे बब्बे कहा देख ले हो दो ही कहा देख ले हो बब्जी भोला है पता है शरीफ है बहुत भोला है वो देख बब्बे वो गुंडी है सनी चलो बाय चमेली अब मैं जा रही हूँ थोड़ा काम करने जा रही हूँ अभी थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हारे पास तुम लोगों को नाश्ता देने ठीक है अभी तुम थोड़ा सा ना रेस्ट करो जाओ भाग जाओ यहाँ से चलो अपने घर के अंदर ओए होए वासियां देखो जैसे रात भर ना सोए हो तो गाइस इतनी बिजी हो गई हूँ मैं कि मुझे ना दिन में इनके इनके साथ अगर मैं दो दो घंटे स्पेंड कर रही थी तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा स्पेंड कर पा रही हूँ क्योंकि ऊपर के बच्चों को भी टाइम देना है इनको भी देना है अपने बच्चों को भी देना है सबको देना है और अब मैं इनसे मिलने आई हूँ गुगलुओं मुगलुओं से क्या हुआ है तुम्हें गुगलुओं मुगलुओं गाइज इनको कोई अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहा है प्लीज 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 मेरे को प्लीज बताओ कि इनको कैसे अडॉप्ट करवाना है मतलब I don't mind keeping them, but मैं चाहती हूँ कि इनको इंडिविजुअली सबको प्यार मिले देखो मैं सबको रख लूंगी आप लोग डोनेशन भी करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस फ्रंट पे लेकिन आप खुद बताओ ना कि 17 बच्चों को मैं प्यार कैसे दूंगी खुद सोचो एक एक इंडिविजुअल अगर कोई एक पेट किसी एक फैमिली में जाएगा तो जो प्यार उसको मिलेगा इंडिविजुअली उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगी ना 17 बच्चों को इकट्ठे तो इनको भी तो कोई अडॉप्ट करने आओ चार्ली को देखो किसी जर्मन शेपर्ड से कम लगता है ये है चार्ली ये कौन आई है छोटी सी दामिनी रोशनी मम्मी आप ले जाओ एक लो मम्मी ने भी मना कर दिया ओए रोशनी गुगलू छुंदर कितनी है ये लूना लूना को देखो ब्लैक ब्यूटी है ये हमारी ब्लैक ब्यूटी इतनी सुंदर सुंदर बच्ची है कोई तो ले जाओ इनको तो गाइज मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैं कब डालूंगी कब नहीं डालूंगी लेकिन अभी हो गया है दोपहर का टाइम तो गाइज आज है डे टू दो दिन के हो गए बच्चे डे जीरो डे वन और डे टू डे जीरो जिस दिन पैदा हुए थे डे वन उसके नेक्स्ट डे और आज हो गया डे आफ्टर टुमारो जिस दिन पैदा हुए थे तो डे टू है बच्चों का पैदा हुए का और हम आए लेडी वाली को खाना खिलाने और हमें ना हमने वीडियोज़ काफ़ी देखी और हमें पता चला कि राइस बहुत ज़्यादा नहीं देने तो आज के मील में हमने बनाया है लेडी ओली के लिए रोटी और साथ में राहुल चिकन के चंक्स हैं ना छोटे छोटे हाँ बिना बोन्स के चिकन के चंक्स हैं जो कि हम लेडी ओली को खिलाने वाले हैं बच्चे लेडी ओली से काफ़ी ज़्यादा दूध निकाल रहे हैं तो इसीलिए लेडी ओली का अच्छा खाना खाना ना बहुत ज़रूरी है पॉटियाँ कर रहे हैं कितनी बहुत पतली हैं नहीं नहीं येलो येलो पॉटियाँ वो इसीलिए क्योंकि माँ के दूध पे है तो गाइज यहाँ पे ना बच्चे पीले पीले रंग की ना पोटियाँ कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पीली कर रहे हैं राहुल वो माँ का दूध पी रहे हैं इसीलिए जो एक तू क्यों घूम रहा हो ओए हो ये इतनी पीली पीली पोटियाँ कर रहे हैं वो तो करेंगे ही ना बच्चे नैपकिन के पैक चाहिए मंगा लेते हैं सनी को बोलते हुए आते हैं नीचे भी पड़े हैं यहाँ भी है नैपकिन के पैक हाँ तो ये करते हैं तू राहुल ये तो करते ही हैं पर मुझे लग रहा है मुझे ना कॉटन से साफ करनी चाहिए मैं तुम्हें कॉटन भी दे देती हूँ गीली कॉटन की कटोरी दे देती हूँ शुशु भी कर रहा देखना इतने हो गए शुशु पॉटी करने वाले हैं छोटे से और ये बड़ी सी मम्मा कहाँ देख रही है हमारी गुल्ली बुल्ली ओए मम्मा हाँ वाला तू इतना सीधा हो गया तू इतनी शरीफ कैसे हो गई है लेडी वाली तू तो इतनी शैतान थी यहाँ से वहां नचती टपती रहती थी जरा सा गली में गाइस आवाज होती थी ना तो ये पागलों की तरह खड़ी हो जाती थी आंटी बन के रेलिंगों के ऊपर बालकनी की ना खड़ी हो जाती थी बिल्कुल सीधी 4.5 फुट की लेकिन अब ये 2 दिन से ना इस जगह से हिली नहीं है सिर्फ अपना फ्री होने जाती है वॉशरूम उसके अलावा ये कहीं नहीं जाती है चुपचाप बैठ के अपने बच्चों को फीड कराती रहती है तो देख लो जैसे ही बंदा मदर बनता है ना चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो उसके अंदर कितने चेंजेस आ जाते हैं लेडी वाली उस चीज का लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे उसने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह उठा ली है और यहाँ पे राहुल कर रहे छोटे छोटे पपीज की पॉटी साफ ऑयल ये ना कॉटन से ही होगी मैं लाके देती हूँ तुम्हें कॉटन रोल ना ठीक है
तो ये तुम अभी डब्बे में इसलिए डाल रहे हैं राहुल इनको बच्चों को, क्योंकि ना ओला का ना खाना आ गया, मैंने आपको अभी दिखाया, तो इसको खाना खिलाएंगे। ज्यादातर बच्चों की टूई पे ना पॉटी लगी हुई है, दूध पीते रहते हैं पॉटी करते रहते हैं, और कोई काम थोड़ी है इन्हें। देखो इसने भी की हुई है, बाकी कहाँ? दो कहाँ है? एक दो तीन चार पाँच छः, दो कहाँ है? और क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? वो रहा एक, ये रहा यहाँ पे सात, आठवां कहाँ है? ओला के नीचे तो नहीं दबा कोई? ओला तो वैसे कितनी पागल सी है, मोटो रानी उनके ऊपर बैठ जाती है, वो भी ना राहुल जान के ना उसके नीचे फंसते हैं, उनको पता क्या है? गर्माहट में, गर्माहट नहीं, आगे आगे का दूध सारे बच्चे पीते हैं तो उसमें से फिर कम निकलता है, फिर वो पीछे जाते हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड दूध होता है ना पीछे का, वो वहाँ चले जाते हैं। छोड़ी दूध, छोटा सा कौन है ये? अभी नाम नहीं रखे हमने, नाम अभी नहीं रखेंगे गाइस, कुछ पूजा पाठ करा के रखेंगे। चलो तो खाना दो, चलो ओला आप खाना खाओ मेरे बच्चों। हाँ हाँ तेरे बच्चे सही से रख दिए। तो गाइस इस बार जो हमने पूरा अरेंजमेंट किया था ना दरियों का, इसका क्या कहते हैं हीटर का, ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है, और टेम्परेचर जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ ना राहुल के ऑफिस में, वो भी बहुत अच्छा मेंटेन है, और ना स्पेशली ना बच्चों की मतलब देख रेख में और बच्चों की हेल्थ में कोई इशू ना आए, हम लोग चप्पलें भी बाहर उतार के आते हैं, मंदिर बिल्कुल चप्पल अलाउड नहीं है इस रूम में। अभी मैंने डिटोल का पोछा लगाया, सुबह मैंने फर्नाइल का पोछा लगवाया था, पोछा लगवाया, उसके बाद फिर मैंने जैप का पोछा लगवाया, समझ गई तुम? तीन तीन पोछे लग रहे हैं हमारे, जैप का तो बिल्कुल लगना भी चाहिए, जैप का तो दिन में दो बार लग रहा है, पार्को का खतरा है। देखो ये तो टॉयलेट करने बाहर जाएगी ही जाएगी, वैसे हम काफी प्रिकॉशंस लेते हैं आते जाते, इसके हाथ पैर धो रहे लेडी वाली के, सोचना हमारे घर के अंदर ऑलरेडी पब्जी है, पब्जी है, जोई है। तेरे को पता है मैं एक बात कैमरे पे बोलना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ना जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं अगर वो बब्जी पे जाएंगे ना तो बहुत अच्छे रहेंगे, बब्जी की जो समझ है ना, आज ये दिन में मैंने इसको बाहर कहा कि टॉयलेट करने चली जा बाहर बालकनी में, तो ये गई तो बब्जी ने इसको ना मतलब एक्साइट नहीं हुआ, आया बब्जी ने अपनी लाते उठाई और इसको कहा कि सूंघ ले पहले मुझे, फिर बब्जी ने इसको सूंघा और फिर मुझे आके हाथों पे सूंघा कि वही सेम स्मेल है, तो जब मैंने कहा कि चलो तो बब्जी बैठ गया कि तू जा तेरा टाइम हो गया तू अंदर चली जा बच्चों के पास, अब मेरे को तो थोड़ी देर में ले ही जाएगा ये, तो बब्जी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया राहुल, जैसे तुम एक अच्छे हस्बैंड और अच्छे फादर हो ना वैसी बब्जी ने भी अपनी जिम्मेवारियां उठा ली, कह सकती है आदमी माँ बाप बनते कितना बदल जाता है ना राहुल, ये पड़े हैं है ना, ये हमने देखो इनका डब्बा मतलब उसमें भी वेलवेट का मलमल का हमने मैट लगाया हुआ है, मेरे पैर पे भी ना पॉटी लग गई बच्चों की, दे मामा साफ कर, कोई नहीं ठीक है बच्चे हैं अपने, शिवाय और जय की कम लगाइए मेरे ऊपर, ट्रिपल दरियां कर दी है, एक दो तीन पाँच है, चार, और एक हमने जोई को भी दी थी, और एक हमने जोई वाली, तो जोई तो दरी पे बैठ नहीं बैठ रही, बस उसमें से बदबू ही आई जा रही है, बैठ नहीं रही वो। इसके बाद ओला जाएगी फ्री होने, और उसके बाद बच्चों जो है देखो अभी तो घुमड़ा बन के सो गए हैं, राहुल अपने में घुसे रहते हैं ये चारों पांचों है ना, देखना कैसे घुसे पड़े हैं, इनको ना अगर माँ के साथ छोड़ोगे ना सारा दिन तो ये हमेशा दूध को लगे रहेंगे, क्यों राहुल? थोड़ा ना हमें उनको स्पेस भी देना चाहिए। हाँ अब जैसे अब बैठे ना इनको आधा घंटा मत छोड़ना लेडी ओला के पास, ये लड़की भी अपना फ्री थ्रू होके अपना अपना आराम से लेट जाएगी, थोड़ी इसकी भी टांगे चलनी ना जरूरी होना डेली बेसिस। तो गाइस लेडी ओली ने खाना खा लिया, बच्चे हमने आपको मिलवा दिए, अब हम जाते हैं वापस अपना काम करते हैं और फिर मैं आती हूँ, मुझे नहीं पता ये व्लॉग्स मैं कब डालूंगी कैसे डालेंगे, इसी कोई सीक्वेंस मुझे खुद को नहीं समझ आ रही एडिटिंग करते टाइम, बट मैं चाहती हूँ लेडी ओली की डिलीवरी, प्रेगनेंसी हमने पूरी दिखाई, डिलीवरी हमने पूरी दिखाई है आपको, और जो इसके बच्चों का एक एक दिन का अपडेट है ना वो आपको हम डेली दें अनफिल्टर्ड बिल्कुल रॉ, उसमें मैं कोई कलाकारियां नहीं करने वाली, जो रील्स एंड शॉर्ट्स चल रहे हैं ना उसमें मैं आपको कलाकारी सिनेमैटिक गाने वाने सब अच्छे से कॉन्सेप्ट वाला बताऊंगी। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद ओला आ गई है बाहर बालकनी में, ओला मत जा बब्बे और उसके पास जोई के पास बेटा, इनके हाथ पर गंदे हो सकते हैं, बाबूओं के लिए ठीक नहीं है, ओला पानी पी ले, ओला के लिए पानी डाला लेडी ओली। आज एक चीज समझ नहीं आई बब्जी, लेडी ओली को देखते पीछे तो तेरा जर्मन शेफर्ड दुश्मन अभी पास में घुसा है, तुझे पता ही नहीं चला वो आया है, वो अब पता चला, उन्होंने तुम्हारी जायदाद में कब्जा किया हुआ है कि क्या कर रहे हैं, दोनों पागल हैं क्या ये,
ओला कह रही है मत कर, तू नया नया बाप बने, मत पंगे ले सोसाइटी से। हमारे बच्चे हुए अभी अभी, किस बात की? जोई ने काट खाएगी आज। भैया हम नहीं ले जाएंगे तेरे को कहीं क्लिनिक लोने के। ओ बबली अपनी हड्डी के लिए कितना पॉजिटिव है। ओली को दे देता राहुल, ओली को दे देता है। इधर आजा। होय राम बब्बे तू कितना चलाक है, तू लेडी ओली को हड्डी दे देता, जोई को नहीं दे सकता है? ओ बबजी बाप बन गया ना तो अहंकार आ गया इस लड़के में है। सारे कहते थे कि बबजी के बस की नहीं है, बबजी के बच्चे नहीं हो रहे, बबजी के बच्चे नहीं हो रहे, बबजी टैटा फूस है, हैं? अब बबजी ने नौ नौ बच्चे पैदा कर दिए, तो गाइस कमेंट सेक्शन में भरोगे नहीं कि बबजी ओजी, बबजी सच्चा मर्द, बबजी कड़क लौंडा। भरो भरो कमेंट सेक्शन भरो। ये है वो बबजी जिसने नौ बच्चे पैदा करके दिखाए हैं, है ना बबजी? वो आ रही है पास पास बार बार। और यहाँ पे आपको दिख रही है जे एन जोई की जोई। तो गाइज आप आई होप आप जे एन जोई का चैनल भी इंजॉय कर रहे हो। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, क्योंकि जो नमितोलॉजी का चैनल है वो ज्यादातर हैक हो जाता है बाय लेडी ओली एंड बब्जी, क्योंकि उन्हीं का चैनल है मेनली ये। तो इस बेचारी लड़की के लिए दूसरा चैनल खोला है, तो उस पे जाके इसको भी जरूर देख लेना। मेरे ख्याल से ओला को अंदर लेके जाना चाहिए। ओ राहुल बब्जी ने ओला को डराया। बब्जी इस टाइम बहुत गुस्से में है, बहुत। बब्जी रिलैक्स, देखो वहां से वो जर्मन शेपर्ड बाहर आ रहा है। आया 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 भौंक रहा है। पहले उसने ओला पे अटैक किया हड्डी के लिए, और अब उसने जोई पे भी अटैक करने की कोशिश की। ओला तू छोड़ ये सब फालतू की चीजें, देखो मैं 10 हड्डियां दूंगी, तू अंदर जा अपने बच्चों के पास।